हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तवा कढ़ाई। तो चलिए आज बनाते हैं आलू मटर के छोटे वाले समोसे। आप इनको चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इनकी दही और चटनी के साथ चाट बना के भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे और जैसे तेल गर्म हो जाए हम उसमें जीरा डालेंगे एक चम्मच, उसको तड़काएंगे। जैसे ही जीरा तड़कने लगे हम उसमें अपना एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन हो जाए अब हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन थोड़ा सा। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। अब ये हमारा भुन जाए हम इसमें आधी कटोरी मटर डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें चार बड़े कटे हुए आलू डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपने सारे मसाले डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें फिलिंग ड्राई बनानी है इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और इसको अच्छे से बंद करके इसको ढक दिया है और ये स्टीम में ही पक जाएगा। अब हम समोसों की मैदा तैयार कर लेते हैं। ये मैंने दो कप मैदा लिया है। अब इसमें डालूंगा मैं आधी चम्मच नमक, लगभग चार पाँच चम्मच घी और हम इसको मोयन बना लेंगे। इसको अच्छे से मसल लेंगे। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जब ऐसे मिक्स हो जाए तो हम इसको हल्के गर्म पानी में मैदा को गूंथेंगे और अच्छे से सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। अभी हमारा डो रेडी है। इसके ऊपर हल्का सा घी का हाथ लगा के इसको एक कपड़े से ढक के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। बीच में एक दो बार इनको प्लेट हटा के थोड़ा चला देंगे ताकि अच्छे से मसाले और मिक्स हो जाएं। अब ये हमारे आलू गल चुके हैं। अब हम इनको गैस से उतार के अच्छे से मैश कर लेंगे। आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल लें, अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा नींबू निचोड़ लें इसमें। अब हम इसमें आधा कप कटे हुए काजू डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी फिलिंग रेडी है। और इधर समोसे की मैदा हमारी ये तैयार है, तो हम इसको एक बार और अच्छे से मल लेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए। अब हम थोड़ा सा मैदा लेके उसकी पूड़ी बेलेंगे और पूड़ी को हम ओवल शेप में बेलेंगे और थोड़ी पतली बेलेंगे उसको। अब हम इसको बीच में से काट लेंगे और इसका एक पीस उठा के हम उसके किनारे पे इस तरह से थोड़ा सा पानी लगाएंगे। हम इस तरह से पहले इसकी कोन बनाएंगे। और हम इसमें थोड़ी सी फिलिंग भरेंगे इस तरह से। अब हम इसके एजेस पे पानी लगा के हम इसको अच्छे से सील कर देंगे।
अभी हमारा समोसा रेडी है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम सारे समोसे बना लेंगे। अब हम इन समोसों को डीप फ्राई करेंगे और मीडियम गैस पे इनको 15-20 मिनट तक पकाएं ताकि ये क्रंची हो जाएं। अभी हमारे समोसे तैयार हैं। अब इनको आप हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी के साथ सर्व करें। इन दोनों चटनियों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये थी छोटे समोसों की रेसिपी। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।